गुजरात में आज प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। काकरेज, पाटण, सुजित्रा में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बनासकांठा और अहमदाबाद में भी प्रधानमंत्री की रैली है। अब जो अगला फेज है, दूसरा चरण चुनावों का, वो 5 दिसंबर को है और दूसरे चरण के लिए आज चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब देखिए, पूरा एनालिसिस हम आपको समझा रहे हैं, आगे इन्फॉर्मेशन वॉल पर हम आपको जो डिटेल देने वाले हैं उसमें कम वोटिंग की क्या वजह संभव है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, चुनाव प्रचार एक तरफा रहा क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस बार चुनाव में और बीजेपी का प्रचार विपक्ष पर भारी पड़ा, ये बहुत बड़ी वजह है। और संभावनाएं क्या है, क्यों हम वजह दरअसल आपको बता रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में विपक्ष नाकाम रहा, ये भी एक फैक्टर इन चुनावों में देखने को मिला। सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन सका इन चुनावों में। जी हाँ, और आगे जानकारी है कि पिछली बार पाटीदार आंदोलन का असर देखने को मिला था। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन इस बार ये असर भी नहीं था। बड़े पाटीदार नेता इस बार बीजेपी के साथ हैं, जिसका कहा जा रहा है कि बड़ा फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। तो कम वोटिंग की क्या वजह संभव है ये हमने आपको बताया। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जयशंकर गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो है वो कम वोटिंग की वजह ये भी है कि बार बार जो विपक्षी पार्टियां गिना रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी को मिलेगा, क्या असर इस बार होता आपको नजर आता है, या फिर से गुजरात में कमल खिलने की संभावना प्रबल है क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने तो ठीक तरीके से प्रचार प्रसार भी नहीं किया जैसा बीजेपी का धुआंधार प्रचार था, सीधे पीएम उतर गए रोड शो करने 50 किलोमीटर का। नहीं, एक चीज देखना होगा कि जो मतदान हुआ है उसमें कहाँ ज़्यादा हुआ है, कहाँ कम हुआ है। एक चीज़ आप देखिए, गौर करिएगा, अगर सारे ज़िलों के रुझान को देखते हुए, तो जो ग्रामीण इलाके हैं, मोरबी, जैसे मोरबी जहाँ पुल दुर्घटना हुई थी जिसमें 135 लोग मर गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतदान हुआ है, लेकिन राजकोट में मतदान कम हुआ है। शहरी इलाकों में मतदान कम हुआ है, ग्रामीण इलाकों में मतदान ज़्यादा हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, नरेंद्र मोदी गुजरात के लाडले हैं, इसमें कहीं कोई दोरा है नहीं, लेकिन भाजपा का विश्वास इस बार मोदी जी से भी थोड़ा सा डिगा है, क्योंकि इस बार जिस तरह से भाजपा के नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग कराई गई गुजरात में, पहले हमने देखा, हमने गुजरात के चुनावों को कवर किया है जब मुख्यमंत्री होते थे मोदी जी। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।